नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है वैदिक एस्ट्रोफिजिक्स चैनल में। आज हम बात करेंगे केपी स्टार वन जो सॉफ्टवेयर है उसको कैसे यूज़ करना है। पिछली बार मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन इस बार हम इसको लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड करेंगे और आपके सामने स्टेप बाय स्टेप मैं शो करूंगा कि कैसे आप इसको कन्फिगर कर सकते हैं। तो आप google.com ओपन करें और उस पर सर्च करें केपी स्टार वन, तो आप देख सकते हैं। तो इसमें हमारा पुराना वीडियो भी दिखेगा और ये सॉफ्टवेयर भी आपको दिखेगा। तो इस पे आप या तो सीधे डाउनलोड पे जा सकते हैं या इनके वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो इस पे ये बताना चाहूँगा, मैं भी एक यूज़र हूँ आपकी तरह। मैंने ये सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं किया है, ठीक है। तो अगर कोई भी अगर आपको इस सॉफ्टवेयर रिलेटेड दिक्कत आ रही है तो आप ये कर सकते हैं, आप इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जाके इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अब इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड के लिए हमें डाउनलोड सेक्शन में जाना है। तो अब इस पे देखते हैं कि यहाँ पे डाउनलोड के लिए कहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन मेनू में केपी स्टार वन डाउनलोड, तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो ये नया वर्जन यहाँ पे दिखा रहा है, तो इसको दोबारा क्लिक करें तो ये पैकेज यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं ये डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, तो इसको सेव कर दीजिए। जैसे ये डाउनलोड कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे जब तक ये डाउनलोड हो जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये डाउनलोड हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं और ये इंस्टॉलेशन विजार्ड ओपन होगा। अब यहाँ पे आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, आप नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। ये लेटेस्ट वर्जन जो है केपी स्टार वन वर्जन 6.7.28, तो आप इसको नेक्स्ट कीजिए। टर्म्स एंड कंडीशन आप पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको ईमेल एड्रेस मिल जाएगा जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट, और दोबारा ये डिटेल आपको बता रहे हैं कि क्या क्या डिटेल्स हैं, जैसे आप अनइंस्टॉल ना करें, आपका डाटा उड़ सकता है, तो वो सारी डिटेल्स इसमें शेयर्ड है। तो इसको आप नेक्स्ट कीजिए और यहाँ पे आप किसी भी लोकेशन पे ये आप इंस्टॉल कर सकते हैं। फिलहाल इसको डिफॉल्ट ही रखिए, कोई चेंजेस मत कीजिए और इसको नेक्स्ट ले दीजिए। इसको भी आपको नेक्स्ट करना है और यहाँ पे आप चेक कर दें ताकि डेस्कटॉप पे एक आइकॉन इसका स्टार्टिंग आइकॉन बन जाएगा। तो इस पर आप नेक्स्ट क्लिक कर दीजिए और इंस्टॉल क्लिक करें। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम आपको इनिशियल बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताएंगे कि केपी स्टार वन में बेसिक कॉन्फ़िगरेशन आपको कैसे करना है। तो अभी आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप फिनिश क्लिक करें और यहाँ पे लॉन्च आइकॉन को ऑलरेडी क्लिक है, तो ऑटोमेटिक ये लॉन्च भी हो जाएगा। अब यहाँ पे आप रजिस्टर ऑनलाइन कर लीजिए, अगर आपके पास की है तो वो की आप एंटर कर दीजिए। तो मैं इसको रजिस्टर ऑनलाइन करता हूँ। यहाँ पे आपको अपना नाम, अपना लास्ट नेम और यहाँ पे हम अपना ईमेल एड्रेस देंगे। तो हमारा ईमेल एड्रेस है वैदिक एस्ट्रो के @gmail.com। इसी को कंफर्म कर लीजिए दोबारा। और मोबाइल नंबर यहाँ पे दे दीजिए। तो ये हमारा मोबाइल और व्हाट्सएप नंबर है 8010120004, और एक्सप्रेस रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं इनवैलिड ईमेल आईडी, प्लीज री इंटर। इसमें कुछ ना कुछ गलती हुई होगी, देख लेते हैं एक बार। अच्छा, मैंने गलत टाइप कर दिया है यहाँ पे, अब ये हो जाना चाहिए। और ये कह रहे हैं कि ओके, अभी हमें रिस्टार्ट करना है। ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं केपी स्टार वन का आइकॉन है, इसके डबल क्लिक कीजिए तो यहाँ पे ये लेटेस्ट वर्जन जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले ये आपको प्रॉम्प्ट करेगा कि आप अपना लोकेशन वो सेट कर लीजिए, ठीक है, जिस लोकेशन पे आप हैं। तो हम यहाँ पे ओके करेंगे और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट चेन्नई आ रहा है, तो मैं दिल्ली में हूँ, तो
तो मैं यहाँ से दिल्ली सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, टाइम जोन को वैसे ही रहने दीजिए, डिग्रीज एंड सेकेंड्स रहने दीजिए। यहाँ पे आप एस्ट्रोलॉजी डिटेल डाल सकते हैं, जैसे मैं अपना नाम डाल सकता हूँ, ठीक है, और अपना मोबाइल नंबर। तो ये आप अपना यहाँ पे नाम और मोबाइल नंबर डाल दीजिए। और मैं यहाँ पे नॉर्थ इंडियन प्रेफर करूँगा, बाकी साइज मैं बिग रखूँगा, ठीक है, और इस पर सेव एंड एग्जिट कर दीजिए। तो इसके बाद ये ओपन हो जाएगा। तो ये फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेट है, ठीक है। तो इस पर भी आप चीज़ें चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप चार्ट स्टाइल में जाइए, व्यू हॉरोस्कोप में जाइए, यहाँ पे आप चार्ट विथ नॉर्थ इंडियन कंबाइंड सिग्निफिकेटर को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें नॉर्थ इंडियन चार्ट यहाँ पे बन के आ जाएगा, ये सैम्पल चार्ट है। अब ये तो आपने बेसिक सेटिंग कर ली, उसके बाद कुछ और सेटिंग भी है जो हमें करना ज़रूरी है। उसके लिए आप ऑप्शन एंड सेटिंग्स में जाइए, कैलकुलेशन ऑप्शन में जाइए और ऑल चार्ट सेटिंग में जाइए। अगर इसमें कुछ भी गलत हो जाता है आपसे तो आपको क्या करना है, रीसेट केपी डिफॉल्ट्स पे चले जाना है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए हम इस चार्ट के लिए नहीं, ऑल चार्ट के लिए सेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे केपी न्यू आंसर ये सिलेक्टेड है, ये यहाँ पे रहने दीजिए। प्लासिडस ये भी ठीक है। यहाँ पे ट्रू राहु केतु को आप चेक कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। मैं यहाँ पे ट्रू राहु केतु सिलेक्ट करके सेव फॉर ऑल चार्ट कर देता हूँ, यस। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, प्रेफरेंसेस जा सकते हैं। प्रेफरेंसेस में हमने ऑलरेडी चीजें सेट कर दी थी, लेकिन यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे मेरा नाम रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे मैं दोबारा इसको चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अब बेसिक सेटिंग हो चुका है। यूटिलिटीज में जाके और इसमें और भी कई ऑप्शंस हैं, इसमें जैसे आप लैंग्वेज और उसको स्टाइल लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी करना है हिंदी, इंग्लिश करना है हिंदी। तो प्रेफरेंसेस में हमने सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे होरारी नंबर में हम 12249 लेंगे, हम यहाँ पे होरारी नंबर में 12249 लेंगे और इसको सेव एग्जिट करेंगे। ऑप्शन में कैलकुलेशन सेटिंग में हमने ये ऑल चार्ट सेटिंग में ये कर दिया है, और साइडेरियल नेटिव वर्क प्लेस माई लोकेशन ओके, बाकी लगभग सारी सेटिंग हो चुकी है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो अब जब भी मैं न्यू चार्ट क्रिएट करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई भी टेस्ट और यहाँ पे डिटेल डाल देते हैं और इसके बाद क्रिएट चार्ट करेंगे, तो ये टेस्ट चार्ट ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं केपी स्टार वन में हमारे पास ये जो लोकेशन है जिसमें प्लैनेट एंड कस्प की डिटेल्स आ जाती हैं। तो ये कस्प है, ठीक है, जैसे हाउस वन, हाउस टू, हाउस थ्री, हाउस फोर, तो ऐसे आप इनके सब लॉट को देख सकते हैं यहाँ पे। और ये प्लैनेट की लाइन है जिसमें आप प्लैनेट के साइन लॉट, स्टार लॉट और सब लॉट देख सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर काफ़ी सिंपल है, फ्री है, अच्छा है, तो आप इसको यूज़ करें और बताएं कमेंट्स में। अगर कोई सवाल हो तो मैं कोशिश करूंगा उसके आंसर जल्द से जल्द दूं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ अलग विषय में भी सवाल हो उस पर भी आप सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप केपी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, और हमारी केपी एस्ट्रोलॉजी की मेम्बरशिप वेबसाइट भी लाइव है जिसपे आप जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसमें 6 महीने या 1 साल की मेंबरशिप आप परचेज कर सकते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए। आशा करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल रहा आपके लिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।